विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे गणित कक्षा 4-5 प्रयास कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 14 से। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 14, दक्षता, दो अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला सवाल, रेखा यानी लाइन खींचकर और दहाई यानी 10 का बंडल बनाते हुए जोड़ कीजिए। देखिए यहाँ 8+7, 8 लाइनें खींची और यहाँ पे 7 लाइनें खींची। 8 लाइनें, ये 2 लाइनें और मिला दी, ये हो गई 10 लाइनें। तो यानी एक बंडल बन गया, एक दहाई। अब खुली कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे हम लिखेंगे बराबर 10+5 बराबर 15। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अगला है 6+5, तो यहाँ क्या करना है, 6 लाइनें खींची, इधर 5 लाइनें खींची, 6 लाइनें, ये 7, 8, 9, 10, 10 लाइनों का एक बंडल बना दिया और एक लाइन खुली। तो क्या होगा, एक दहाई यानी 10+1 कितना हो जाएगा, 11। अगला देखिए 9+5, तो आपको यहाँ 9 लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 5 लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ 9 लाइनें ये है, एक लाइन और मिला दो तो ये 10 का एक बंडल बन जाएगा। तो ये होगा एक दहाई, खुली लाइनें कितनी, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 14। समझ में आ गया ये वाला भी। अगला है 11+5, 11 लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 5 लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 11 है तो यहाँ 10 का ही बंडल बनाना है, 10 का एक बंडल बन गया, एक दहाई, और ये खुली कितनी, 5 ही है और एक ये 6, 10 में 6 जोड़ेंगे 16। अगला है 12+4, यहाँ 12 लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये 4 लाइनें खींचनी, 1, 2, 3, 4, ये 12 है तो ये 10 का ही एक बंडल बनाना है, 10 का एक बंडल बन गया, 2 लाइनें खुली इसमें हो गई, 4 ये और 5 6, 6 लाइनें खुली हैं, तो 10 का एक बंडल एक दहाई और ये 6, 10+6 कितना होगा, 16। समझ में आ गया। इसी प्रकार से इनमें भी देखिए, यहाँ 9+6, 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 में देखिए आप एक जोड़ो, 10 फिर 5, 10+5 कितना होगा, बराबर 15। इस प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं। 8+7, 8 में 2 जोड़ दो, 10, 2 इधर से लिए, यहाँ बचा 5, 10+5 बराबर 15। अब देखिए 13+5, अब 3 इसमें से निकाल दो, तो 10, 5 में 3 जोड़ो, 8, 10 और 8 लिखना, 10+8, 18, 17+2, देखिए 7 इसमें से निकाल दो, बचा 10, 7 और 2, 9, 10 और 9, 19। इस प्रकार से हम जोड़ का अभ्यास करेंगे। ये देखिए 16+4, 16 में 4 जोड़ दो, 20 यानी 2 दहाई हो जाएगा, या आप इसे आप लिख सकते हैं 20+0 कितना होगा, 20। अगला सवाल दूसरा, रेखा यानी लाइन की मदद से घटाव कीजिए। अब हमें घटाव करनी है लाइन की मदद से। 11-5, तो 11 लाइनें खींची, 5 लाइनें काट दी, तो बची कितनी, 6 लाइनें।
ऐसे ही इनको भी करना है, 18 माइनस 7, 18 लाइनें खींचनी है, खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 7 लाइनें काट दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइनें काट दी। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बराबर 11। अगला है 16 माइनस 3, 16 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 लाइनें काटनी है, 1 2 3, 3 लाइनें काट दी, कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ आएगा बराबर 13। अगला है 12 माइनस 9, 12 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें काट दी, कितने लाइनें बची, 1 2 3, तो बराबर 3। 17 माइनस 4, तो हमें 17 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 4 लाइनें काट दी, 1 2 3 4, 4 लाइनें काट दी, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बराबर 13। अगला है 13 माइनस 5, तो हमें 13 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5, कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर 8। 16 माइनस 8, 16 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बराबर 8। 15 माइनस 4, हमें 15 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर 11। 14 माइनस 10, हमें 14 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बची, 1 2 3 4, तो बराबर 4। अगला है 18 माइनस 14, हमें 18 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 14 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइनें काट देंगे, बची कितनी, 1 2 3 4, बराबर 4। 16 माइनस 3, 16 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 लाइनें काटनी है, 1 2 3, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ आएगा 13। अगला है 15 माइनस 14, तो हमें 15 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी लाइन बची, 1, तो बराबर 1। तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 14, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 15, दक्षता, दो अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला सवाल है, रेखा यानी लाइन की मदद से जोड़ कीजिए, 8 प्लस 5, तो 8 लाइनें खींची, 5 लाइनें खींची, 8 में 2 लाइनें मिलाई, ये हो गई 10 और ये 3, तो यानी 13। अगला है 17 प्लस 6, 17 लाइनें खींची और यहाँ 6 लाइनें खींची, तो यहाँ देखिए 10 लाइन का एक बंडल बनाया, 7 और 3 10 का एक और बंडल बनाया, बंडल हो गए 2, 20, 20 और 3 23, इस प्रकार से हमें जोड़ करनी है। 15 प्लस 5,
तो हमें 15 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का बना देंगे एक बंडल, 5 और 5 इन 10 का एक बंडल और बना देंगे, तो 2 बंडल हो गए, यानी 2 दाही यानी 20। अगला है 18 प्लस 3, तो हमें 18 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और नीचे 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। अब यहाँ ध्यान रखेंगे 10 के बाद हम लाइन थोड़ा अलग से खींच लेंगे, बंडल बनाने में आसानी रहेगी। ये एक बंडल बना और ये 8 और 2 और मिला दो 10, तो 10 और 10 20 और 1 21। इसी प्रकार से अगला है 22 प्लस 7, तो 22 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और नीचे 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, 2 बंडल बन गए, 10 और 10 20, और यह खुली 1 2 7 और 2 9 20 और 9 29, यहाँ आएगा 29। अगला है 26 प्लस 6, हमें 26 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और नीचे 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, यह 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, 2 बंडल बन गए, ये 6 और 4 इसमें से लेंगे, ये हो जाएगा 10 का एक और बंडल, 10 20 30 और 2 खुली 30 और 2 32, तो यहाँ लिखेंगे 32। अगला 19 प्लस 9, हम 19 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और नीचे खींचेंगे 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का एक बंडल और ये 9 है, और एक और मिला देंगे, 10 का एक और बंडल बन जाएगा, और ये अब 9 में से एक चले गई, कितनी बची, 8, 10, 10, 20 और 8, 28, तो यहाँ आएगा 28। 17 प्लस 5, 17 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 10 का एक बंडल, 7, 3 और मिला देंगे, ये 10 का बंडल, और खुली कितनी रही, 2, 10 और 10 20 और 2 22, तो यहाँ आएगा 22। ये हमने लाइन की मदद से जोड़ की, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, रेखा यानी लाइन की मदद से घटाइए। अब लाइन की मदद से ही हमें घटाव भी करनी है। 14 माइनस 6 14, तो 14 लाइनें खींची और 6 लाइनें काट दी, कितनी बची, 8 लाइनें। इसी प्रकार देखिए ये 17 माइनस 7, 17 लाइनें खींची, 7 लाइनें काट दी, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आएगा 10। इसी प्रकार से हमें आगे भी करना है इनको में भी। देखिए 19 माइनस 5, तो हम 19 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 5 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन काट दी, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ आएगा 14। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है लाइनें खींचते समय, लाइनें काटते समय, और बची हुई लाइनों को गिनते समय पूरा ध्यान रखना है। 22 माइनस 9, 22 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 9 लाइनें काटनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें काट देंगे, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ आएगा 13। अगला है 25 माइनस 8, हमें 25 लाइनें खींचनी है,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, आठ लाइनें काटनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइनें काट दी। अब कितनी बची? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, तो यहाँ आएगा सत्रह। अगला है अठारह माइनस ग्यारह, हमें अठारह लाइनें खींचनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, ग्यारह लाइनें काटनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, कितनी बची? एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ आएगा सात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 माइनस 19, तो हमें 21 लाइनें खींचनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, 19 लाइनें काटनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, कितनी बची? एक दो, यहाँ लिखेंगे दो। 24 माइनस 15, हमें 24 लाइनें खींचनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, 15 लाइनें काटनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, कितनी बची? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ लिखेंगे नौ। तो ये इस प्रकार से हमने लाइनों की मदद से जोड़ और घटा आपके सवाल किए। यह था कार्यपत्रक 15। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 16, दक्षता, संख्या रेखा पर दो अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला सवाल है, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। ये संख्या रेखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये एक एक है 0 यानी 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से यह संख्या रेखा है। तो आपको 7 प्लस 8 बराबर 7 में 8 जोड़ना है। तो पहले हमने 7 लाइनें ली, 7 से आगे 8 और लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो किस पे पहुँचे? 15 पर, तो बराबर 15। समझ में आया? इसी प्रकार से अब हमें 7 प्लस 6, 7 में 6 जोड़ना है, तो यहाँ 0 है, 0 से हम 7 पर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आया 7। अब 7 के बाद प्लस 6, 6 जोड़ना है, तो यहाँ से 6 जोड़ेंगे, 1, 2, यहाँ से गिनेंगे, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। ये थी 7 और इसमें 6 जोड़ा, तो यहाँ पहुँचे। तो यहाँ कितने हो गए? देखिए 0, 5, 10, 10 के बाद 11, 12, 13, यहाँ कितना है? 13, तो बराबर 13 लिखेंगे। ये वाला देखिए 9 प्लस 7, 0, 0 से हम 9 तक चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ तक आया, ये था 9। इसमें जोड़ना है 7, तो यहाँ से 7 और आगे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 0, 5, 10, 15 और 1, 16, तो बराबर 16 हो जाएगा। अगला देखिए 15 प्लस 8, 15 में 8 जोड़ना है, 0 से पहले 15 पे चलेंगे, यहाँ एक बार लिख देंगे हम 7, 15 चलेंगे 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये था 15। इसमें जोड़ना है 8, यहाँ से हम 8 और आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कितना होगा? देखिए 0 से बाद 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 21, 22, 23, यह कितना आएगा? बराबर
23। अगला है ये वाला 16 प्लस 7, पहले हम 16 तक चलेंगे, यहाँ से 16 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हम पहुँचेंगे, ये 16 था, इसमें और जोड़ेंगे 7, यहाँ से 7 और चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ कितना होगा देखेंगे, 0 5 10 15 20 20 के बाद 21 22 23, कितना हुआ 23 बराबर 23। अब आगे ये 13 माइनस 4 घटाव हैं, पहले हम 13 तक चले, फिर इसमें से 4 घटा दिया तो कहाँ पे पहुँचे 9, तो ये आया बराबर 9। इसी प्रकार से हम घटाव करेंगे 17 माइनस 8, पहले 17 तक चलेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हम यहाँ पहुँचेंगे। अब इसमें से 8 घटाना है तो 8 वापस पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है गिनेंगे, 5 6 7 8 9, तो बराबर 9 आएगा यहाँ। अगला देखिए 26 माइनस 7, हम 26 तक चलेंगे, 7 वापस पीछे आएंगे, यहाँ से 26 चलेंगे, 5 10 15 20 25 और 1 26, यहाँ पहुँचे, यहाँ से वापस 7 पीछे आना है, 7 माइनस करना है, 7 पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ कितना होगा देखिए, 5 10 15 16 17 18 19, कितना आया 19 बराबर 19। अगला देखिए 28 माइनस 9, तो हमें 28 तक चलना है, 0 से 5 10 15 20 25 26 27 28, तो यहाँ पहुँचेंगे हम, माइनस 9 पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर, तो कितना है यहाँ पे, 0 से 5 10 15 16 17 18 19, तो यहाँ कितना है 19। अगला 18 माइनस 7, तो हम 18 तक चलेंगे, 5 10 15 16 17 18, तो हम यहाँ पहुँचेंगे, -7, 7 कम करना है, पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ कितना हो गया 5 10 और 1 11, यहाँ है बराबर 11। ये था कार्यपत्रक 16, चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 17 दक्षता, 2 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ हासिल सहित की समझ बना पाना, हम जोड़ का अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है जोड़ कीजिए, हमें जोड़ के अभ्यास करने हैं, सभी सवाल जोड़ के हैं। इकाई दहाई 28 प्लस 25, ये देखिए 28 लाइनें हैं और ये 25 लाइनें हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 20 30 40, और ये 10 का और बना दिया 50 और 3 53, तो यहाँ आएगा 53। अगला देखिए इकाई दाई 35 प्लस 15, तो ये 35 लाइनें खींची और ये 15 लाइनें खींची, तो 10-10 लाइनों के समूह हैं, 1 2 3 4, और ये 5 और 5 10 का एक समूह और बन गया, एक बंडल और बढ़ गया, 10 हो गया, तो बंडल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। इसमें देखिए 34 प्लस 17, तो ये 34 लाइनें खींची और ये 17 लाइनें खींची, 10-10 के बंडल कितने हैं 1 2 3 4, और यहाँ देखिए ये 7 हैं, 3 इसमें से और लेंगे तो 10 का बंडल और बन जाएगा,
और एक खुली रहेगी, तो 10 के बंडल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और एक 5, यानी 50 और एक 51 जोड़ आएगी 51। इसको देखिए 34 प्लस 27, ये 34 लाइनें हैं और ये 27 लाइनें हैं, 10 10 के बंडल बना रखे हैं, ये 7 और 4, तो 3 इसमें से लेंगे 10 का एक बंडल और बन जाएगा, तो ये बंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंडल बन गए और एक खुली है, तो कितना हो जाएगा 61, यहाँ लिखेंगे हम 61। अगला 45 प्लस 26, तो यहाँ 45 लाइनें, 10, 20, 30, 40 और 5 45 और ये 26, 10, 20 और ये 6, 26, तो यहाँ 5 और 6, इसमें से 5 और लेंगे तो 10 का एक बंडल बन जाएगा, एक खुली रहेगी, तो यहाँ बंडल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 70 और एक 71। अगला है 42 प्लस 29, 42 में 29 जोड़ेंगे, 10, 20, 30, 40 और 2, 42 और ये 10, 20 और 9, 29, 9 और एक इसमें से लेंगे, एक बंडल और बन जाएगा 10 का, एक खुली रहेगी, तो 10 के बंडल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 70 और एक 71। अगला है 19 प्लस 24, 19 में 24 जोड़ना है, 10 और 9, 19, 24 हैं, 10, 10, 20 और 4, 24, ये 9 है, एक इसमें से और लेंगे 10 का बंडल बन जाएगा, 3 खुली रहेगी, बंडल हो गए 1, 2, 3, 4, 40 और 3, 43, यहाँ लिखेंगे 43। अगला है 8 प्लस 12, ये 8 हैं और ये 12 हैं, 10 का एक बंडल बन गया और 8 और ये 2 और मिला देंगे 10 का और बंडल हो जाएगा, 10 10 के 2 बंडल हो गए, तो संख्या कितनी हो जाएगी 20, यहाँ 20 लिखेंगे। ये था विद्यार्थियों कार्यपत्रक 17, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 18, दक्षताएं, 2 अंकों तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ के समझ बना पाना। पहला सवाल है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ कीजिए। पहला है 50 प्लस 36, तो 58 प्लस 36, 58 को हम लिख सकते हैं बराबर 50 प्लस 8 और 36 को 30 प्लस 6, तब यहाँ जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ा 14, 50 में 30 जोड़ा 80, 80 ये है, एक दहाई इधर से और लेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 और 4, 94, तो यहाँ आया 94। इसी प्रकार से हम ये दूसरी वाले जोड़ भी करेंगे। दूसरा है 46 प्लस 16, 46 को हम लिखेंगे 40 प्लस 6, 16 को लिखेंगे 10 प्लस 6, 6 और 6, 12, 40 और 10, 50, 50 और 10 इसमें से लेंगे 60 और 2, 62, तो यहाँ आएगा 62। अगला है तीसरा 27 प्लस 48, 27 को हम लिखेंगे 20 प्लस 7, 48 को लिखेंगे 40 प्लस 8, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 और यहाँ 20 में 40 जोड़ेंगे 60, अब यहाँ 60 और 10 और मिलाएंगे 70 और 5, 75, तो यहाँ आएगा 75। अगला है चौथा 38 प्लस 12, 38 को हम लिखेंगे 30 प्लस 8, 12 को लिखेंगे हम 10 प्लस 2, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, अब 40 में 10 और मिला देंगे ये हो जाएगा 50। पांचवा 32 प्लस 49, 32 को हम लिखेंगे 30 प्लस 2, 49 को लिखेंगे हम 40 प्लस 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 30 में 40 जोड़ेंगे 70, अब 70 और 10 और मिलाएंगे 80, 80 और 1 81, यहाँ आएगा 81। छठा 70 प्लस 20, 70 को हम लिखेंगे 70 प्लस 0, 20 को लिखेंगे 20 प्लस 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 70 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 90, तो ये आएगा 90 का 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सातवां
82 प्लस 17, 82 को हम लिखेंगे 80 प्लस 2, 17 को लिखेंगे 10 प्लस 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 90 और 9 99। आठवां 52 प्लस 29, 52 को हम लिखेंगे 50 प्लस 2, 29 को लिखेंगे 20 प्लस 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 और मिलाएंगे 80 और 81, तो यहाँ लिखेंगे हम 81। नवा 63 प्लस 31, 63 को हम लिखेंगे 60 प्लस 3, 31 को लिखेंगे 30 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 60 में 3 जोड़ेंगे 90, 90 में 4 जोड़ेंगे 94। अगला है दसवा 50 प्लस 49, 50 को हम लिखेंगे 50 प्लस 0, 49 को लिखेंगे 40 प्लस 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 50 में 40 जोड़ेंगे 90, 90 में 9 जोड़ेंगे 99। ग्यारहवा 48 प्लस 48, 48 को हम लिखेंगे 40 प्लस 8, 48 को लिखेंगे 40 प्लस 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 40 जोड़ेंगे 80, 80 और 10 और मिलाएंगे 90, 90 और 6 96। बारहवा 75 प्लस 18, 75 को हम लिखेंगे 70 प्लस 5, 18 को लिखेंगे 10 प्लस 8, अब 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, अब 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 90 और 3 93, यहाँ लिखेंगे 93। अगला है बारहवा 54 प्लस सॉरी ये तेरहवा 54 प्लस 37, 54 को लिखेंगे 50 प्लस 4, 37 को लिखेंगे 30 प्लस 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 50 में 30 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90 और 1 91, यहाँ लिखेंगे 91। 14 65 प्लस 25, 65 को लिखेंगे 60 प्लस 5, 25 को लिखेंगे 20 प्लस 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 60 में 20 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, तो यहाँ आएगा 90। 15वां 85 प्लस 19, 85 को लिखेंगे हम 80 प्लस 5, 19 को लिखेंगे 10 प्लस 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 80 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 90। अब यहाँ 90 में 10 जोड़ेंगे 100 और 4 104, तो यहाँ आएगा 104। ये था कार्यपत्रक 18। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 19, दक्षताएं इकाई दहाई की समझ के आधार पर घटाव कर पाना। पहला सवाल है समझ कर घटाव कीजिए। ये देखिए हल कर रखिए, दो दहाई में से 8 इकाई घटानी है तो 2 दहाई माइनस 8। अब यहाँ 2 दहाई को हम 1 दहाई प्लस 1 दहाई माइनस 8, 1 दहाई 1 दहाई को बदल दिया इकाई में तो वे आ गई 10 इकाई माइनस 8 इकाई। 10 इकाई में से 8 इकाई घटा देंगे तो कितनी इकाई बचेगी, 2 इकाई और ये 1 दहाई, एक दहाई प्लस 2 इकाई, इसे हम लिखेंगे 2 दहाई यानी 20 माइनस 8 तो कितना आएगा 12। इसी प्रकार से ये घटाना है, एक दहाई में से 2 इकाई, एक दहाई इसमें से घटाना है 2 इकाई। अब एक दहाई को हम किस में बदलेंगे, इकाई में, एक दहाई का मतलब होता है 10 इकाई, उसमें से 2 इकाई घटाएंगे तो कितनी आएगी 8 इकाई। समझ में आ गया, इसका मतलब एक दहाई यानी 10, उसमें से 2 इकाई घटाना है माइनस 2 तो कितना आएगा 8। अगला समझिए, तीन दहाई में से 9 इकाई, तीन दहाई यानी 30
में से 9 इकाई माइनस 9, 30 में से 9 घटाना है, तो यहाँ 3 इकाई 3 दहाई माइनस 9 इकाई, 3 दहाई में से 9 इकाई घटाना है, तो इसे बदलेंगे हम 2 दहाई प्लस 1 दहाई माइनस 9 इकाई, तो यहाँ 2 दहाई प्लस 1 दहाई को इकाई में बदलेंगे तो 10 इकाई माइनस 9 इकाई। अब यहाँ 2 दहाई प्लस 10 इकाई में से 9 इकाई घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 1 इकाई, यानी कितना आया 21, यहाँ लिखेंगे 21। अगला है 2 दहाई में से 1 दहाई 4 इकाई, 2 दहाई यानी 20, इसमें से 1 दहाई 4 इकाई 14 घटाना है, 20 में से 14 घटाना है, तो यहाँ देखिए 2 दहाई माइनस 1 दहाई 4 इकाई, 2 दहाई में से 1 दहाई 4 इकाई घटानी है, तो 2 दहाई यानी 20 इकाई माइनस 1 दहाई और 4 इकाई, तो कितना हो जाएगा 14 इकाई, 20 में से 14 घटाएंगे, 14 इकाई घटा देंगे, कितनी बचेगी 6 इकाई, तो यहाँ आएगा 6। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 दहाई को 1 1 दहाई में बदल देंगे, 1 दहाई में से 1 दहाई घटा देंगे और 1 दहाई की इकाई बदलेंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे, कितनी बचेगी 6। अगला 3 दहाई 8 इकाई में से 7 इकाई, 3 दहाई 8 इकाई यानी 38 में से 7 इकाई यानी 7 घटाना है, तो यह देखिए 3 दहाई 8 इकाई में से घटाना है 7 इकाई, 8 इकाई में 7 इकाई घटा देंगे तो कितनी बचेगी 1 इकाई, 3 दहाई प्लस 1 इकाई कितना आएगा 31। अगला है 4 दहाई 7 इकाई में से 2 दहाई 5 इकाई, 4 दहाई 7 इकाई में से 2 दहाई 5 इकाई यानी 47 में से 25 घटाना है, तब यहाँ देखिए 4 दहाई 7 इकाई माइनस 2 दहाई 5 इकाई, अब 4 दहाई में से 2 दहाई घटा देंगे तो कितनी बचेगी 2 दहाई, 7 इकाई में से 5 इकाई घटा देंगे तो 2 इकाई, कितना आएगा 22। सैंतालीस माइनस 25 तो कितना आएगा 22, देखिए 7 में से 5 घटा देंगे 2, 4 में से 2 घटा देंगे 2, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला है 4 दहाई 3 इकाई में से 1 दहाई 5 इकाई, 4 दहाई 3 इकाई में से 1 दहाई 5 इकाई यानी 43 में से 15 घटाना है, 4 दहाई 3 इकाई में से 1 दहाई 5 इकाई, अब यहाँ 4 दहाई में से 1 दहाई घटा देंगे बचेगा 3 दहाई और 1 दहाई को इकाई में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 और 3 13 इकाई यानी 2 दहाई प्लस 13 इकाई, इसमें से घटानी है 5 इकाई,
अब 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो बचेगा 2 दहाई 8 इकाई यानी 28। 3 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से एक दहाई इधर लेंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8 और यहाँ 3 में से एक घटा देंगे 2, कितना आया 28। तो ये था कार्यपत्रक 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 20, दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला सवाल है, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 46 प्लस 38 दोनों को जोड़ेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, कितना आया 84, 84 बच्चे लिख देंगे यहाँ। दूसरा है, एक बस में 52 यात्री बैठे थे, इनमें से 24 यात्री उतर गए, तो बताइए अब बस में कितने यात्री रहे। 52 में से 24 उतर गए तो घटा देंगे, अब यहाँ 2 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से एक दहाई उधार लेंगे, यहाँ 4 दहाई बचेगी और यहाँ हो जाएगा 12 इकाई, 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8 और 4 में से 2 घटा देंगे बचेगा 2, यानी 28 यात्री बचे। तीसरा, एक किताब की कीमत 45 रुपये और कॉपी की कीमत 25 रुपये है, तो बताइए किताब और कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपये देने होंगे। 45 रुपये की कॉपी से किताब और 25 रुपये की कॉपी दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 5 और 2 7, कितना हो गया 70, 70 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, एक लड़के के पास 68 रुपये हैं, वह खिलौना खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 45 रुपये है, खिलौना खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपये बचे होंगे। 68 में से खिलौने कितने खरीदे 45 के, तो बचेंगे कितने 68 माइनस 45 कर देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे बचा 3, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, कितना आया 23, तो 23 रुपये बचे। अगला है पाँचवा, सीमा के पास 16 पुस्तकें हैं और उसकी बहन के पास 13 पुस्तकें हैं, तो उसके पास अपनी बहन से कितनी पुस्तकें अधिक हैं। इसके पास 16 हैं, बहन के पास 13 हैं, तो 16 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी 3 पुस्तकें अधिक हैं। अगला सवाल नंबर 6, एक चरवाहे के पास 56 भेड़ें, 12 गायें और 24 बकरियां हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। 56, 12, 24 तीनों को जोड़ लेंगे, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, तो कितने पशु हैं 92 पशु। अगला है सवाल नंबर 7, एक व्यापारी के पास 84 बोरी बाजरा था, उसमें से उसने 52 बोरी बाजरा बेच दिया, अब व्यापारी के पास कितने बोरी बाजरा बचा। 84 था, बेचा कितना 52, तो घटा देंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो 32 बोरी कितने बचा 32 बोरी। ये था कार्यपत्रक 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 21, दक्षताएं इकाई दहाई की समझ के आधार पर घटाव कर पाना। पहला सवाल है, हल कीजिए, दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1, दहाई के लिए इस प्रकार का वर्ग है, इकाई के लिए एक ऐसा त्रिभुज है। तो देखिए 25 माइनस 17, 25 में 17 घटाना है, तो यहाँ 2 दहाई 5 इकाई और इसमें 1 दहाई 7 इकाई, तब यहाँ देखिए कितना बचा 10 से 10 कट गया और यहाँ 1 2 3 4 5
पाँच इसमें से काट लिया, दस ये लिया और दो इसमें से काटा सात, अब बचा कितना आठ। इसी प्रकार से चौदह माइनस आठ तो हमें ये एक एक चौदह इसमें से घटाना है आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो यहाँ एक दो तीन चार, चार में से एक दो तीन चार, चार काट दिए, अब ये चार और काटने तो इसको किस में बदला, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो यहाँ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार काट दिए, बचे कितने छः, तो यहाँ आएगा छः। समझ में आ गया। अगला है चालीस माइनस सोलह, चालीस में से सोलह घटाना है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से घटा लीजिए, जीरो में से छः नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधार लेंगे, एक दाई को इकाई में बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगी तीन दाई बचेगी और यहाँ दस इकाई हो जाएगी, दस में से छः घटाएंगे तो कितना बचेगा चार, तीन में से एक घटाएंगे बचेगा दो, कितना आया चौबीस। इस प्रकार से हम घटा लेंगे, सड़सठ माइनस बयालीस, सात में से दो घटाएंगे पाँच, छः में से चार घटाएंगे दो, कितना आया पच्चीस। ये इस प्रकार से आप बदल करके भी आप कर सकते हैं। चौंसठ माइनस उनचालीस, चार में से नौ घटाएंगे नहीं घटेगा, एक यहाँ से दाई उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा पाँच, एक दाई को इधर इकाई में बदलेंगे, दस और चार चौदह, चौदह में से नौ घटाएंगे पाँच, पाँच में से तीन घटाएंगे दो, कितना आया पच्चीस। बावन माइनस छब्बीस, बावन में से छब्बीस घटाना है, दो में से छः नहीं घटेगा, एक दाई को इकाई में बदलेंगे तो यहाँ बचेगी चार दाई और यहाँ हो जाएगा बारह, बारह में से छः घटाएंगे छः, चार में से दो घटाएंगे छः सॉरी दो, कितना आया छब्बीस। अगला है चौरासी माइनस चौरासी प्लस छत्तीस, जोड़ करनी है, चार में छः जोड़ेंगे कितना होगा दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, आठ में एक जोड़ेंगे नौ, नौ में तीन जोड़ेंगे बारह, एक सौ बीस। साठ प्लस बीस, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, छः में दो जोड़ेंगे आठ, कितना होगा अस्सी। अगला है सत्तर प्लस पचपन, जीरो में पाँच जोड़ेंगे पाँच, सात में पाँच जोड़ेंगे बारह, कितना है एक सौ पच्चीस। अगला है तिरानवे प्लस उनचालीस, तीन में नौ जोड़ेंगे बारह, बारह का दो हासिल लगा एक, नौ में एक जोड़ेंगे दस, दस में तीन जोड़ेंगे तेरह, कितना आया एक सौ बत्तीस। अगला है तिरसठ प्लस छत्तीस, तीन में छः जोड़ेंगे नौ, छः में तीन जोड़ेंगे नौ, कितना आया निन्यानवे। तिरासी प्लस अड़तीस, आठ में तीन जोड़ेंगे ग्यारह, ग्यारह का एक हासिल लगा एक, आठ में एक जोड़ेंगे नौ, नौ में तीन जोड़ेंगे बारह, कितना आया 121। इस प्रकार से हम जोड़ और घटाव का भी अभ्यास नियमित करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में जो कार्यपत्रक हमने समझे, आप भी उन कार्यपत्रकों का बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए आप इनका नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम बेहतर बन पाएंगे, गणित को बेहतर जान पाएंगे। तो इस प्रकार के आप और भी सवाल आप अपनी पाठ्यपुस्तक से लेकर के उनका भी आप नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें अधिक से अधिक गणित को समझना है और उसका अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।